नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। जेडीयू ने एक स्टैंड लिया अग्निपथ को लेकर और ये कहा कि सहयोगियों से राय नहीं ली गई और सरकार को, केंद्र सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। बीजेपी को जेडीयू का यह स्टैंड बड़ा नागवार गुजरा और बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने मोर्चा खोल दिया जेडीयू के खिलाफ। दूसरी तरफ जेडीयू के बड़े नेताओं ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने और उपेंद्र कुशवाहा जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने संजय जायसवाल पर पलटवार का जिम्मा संभाला, उन्होंने संजय जायसवाल के खिलाफ मोर्चा संभाला। अब इस लड़ाई को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का एक बयान सामने आया है। चिराग पासवान कल दिल्ली से पटना लौटे और देर शाम जब उनकी पटना लैंडिंग हुई तो लैंडिंग के बाद ही चिराग पासवान ने बीजेपी और जेडीयू दोनों को अलग हो जाने की नसीहत दी है। चिराग पासवान ने यह सवाल उठाया है कि जब इतना ही झगड़ा है, एक दूसरे से इतनी ही दिक्कत है, तो साथ मिलकर सरकार क्यों चला रहे हैं, अलग क्यों नहीं हो जाते। चिराग पासवान का पूरा बयान आपके सामने है, कल चिराग पासवान ने क्या कहा आप सुनिए। जो इल्जाम लगा रहे हैं वो भी तो हिस्सा है सरकार का। आज जब आप सवाल खड़े करते हैं तो क्या आप सरकार का हिस्सा नहीं है भाई? यही तो सवाल हम लोग भी खड़े कर रहे हैं। और अगर यही सवाल आप खड़े कर रहे हैं तो फिर क्यों आपके सहारे से वो सरकार बनी हुई है? क्या आपसे रंजित तो या तो आप अलग हो जाइए आप उस सरकार से, और या फिर इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि सरकार का अंग होने के नाते भाई बिहार की शिक्षा व्यवस्था जितनी चरमराई हुई है आज की तारीख में, फॉर दैट मैटर हर उसमें, भाई संजय जायसवाल जी तो बोल ही रहे हैं, पर जिस तरीके से आरएसएस के मुखपत्र में जिस तरीके से पूरा लेख लिखा गया है, जिसमें नीतीश कुमार जी की हर नीति के बारे में की विफलताओं का उसमें जिक्र किया गया है, पर अफसोस इस बात का है या विडंबना इस बात की या आश्चर्य इस बात का होता है कि भैया सरकार भी तो आप ही के भरोसे चल रही है। और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड मेरी समझ के परे है कि इतनी बातें ये लोग सुन रहे हैं सिर्फ एक सत्ता की कुर्सी के लालच में। दोनों में विरोधाभास है, हर नीति पे विरोधाभास है, अग्निपथ से लेके पेगासस से लेके जाति जनगणना से लेके विशेष राज्य के दर्जे से लेके जनसंख्या निरंतर कानून से लेके हर विषय पर विरोधाभास है, पर दोनों फिर भी साथ में क्यों हैं? सिर्फ सत्ता के लालच। जेडीयू कोटे के मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा है ये तो पति पत्नी का झगड़ा है, तलाक थोड़ी हो जाता है। अरे वाह, पति पत्नी के झगड़े में बिहार के बच्चे बर्बाद हो जाए, हाँ गजब। मतलब इतना लाइटली इस विषय को लेने की बात है? आपके सरकार के घटक दल आपकी नीतियों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आप ही के गठबंधन के घटक दल आपकी नीतियों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और जो कि सही सवाल है, मैं इस बात का तो मैं समर्थन करता ही हूँ कि भैया जो बात उन्होंने कही है वो सही कही, और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए। बार बार मैं बोलता हूँ, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को 1000 किलोमीटर की फ्लाइट लेकर दिल्ली जाना पड़ता हो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने, जिस राज्य के बच्चे बिहार छोड़कर बाकी सारे राज्यों में अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, तो उस प्रदेश में हर विभाग में जिस तरीके से विफलताएं इनकी देखने को मिलती हैं, तो सवाल तो सही उठा ही रहे, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप सत्ता के लालच में इन बातों को इग्नोर करें और अंतोगत्वा उसका भुगतान उसका हर्जाना सरकार से समर्थन वापस लेने की सलाह आप बीजेपी को दे रहे हैं। सरकार से समर्थन वापस लेने की सलाह आप बीजेपी को दे रहे हैं? कोई समर्थन वापस लेने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जिस पे उंगली उठा रहे हैं तो वो उंगलियाँ आपकी तरफ भी उठ रही हैं, आप उसी सरकार का हिस्सा हैं। अगर आप नहीं खुश हैं तो सोचने की जरूरत आपको है, जनता के बीच जाकर इस बात को बोलने से पहले आप अपने भीतर बैठ के सोचिए कि अगर इतनी विफलताएं हैं तो आप साथ में क्यों? महाराष्ट्र